ये यूएसबी वेइंग स्केल है, इसके साथ हमने ये यूएसबी लगाई हुई है, इसके अंदर डाटा सेव होता है। और ये काउंटिंग है, इससे जो जितने भी हम इस वेइंग स्केल के ऊपर काउंट करेंगे या जितने भी वेट होगा इसके ऊपर, वो काउंट भी होगा और सेव भी होता जाएगा। और इसके अंदर टाइम, डेट और जो हम चीज़ बैच वाइज काउंट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड, वो भी सेव होगी इसके अंदर। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सेल की शीट के ऊपर आप जो है ना इसको ले सकते हैं, और जितनी मर्ज़ी आप रीडिंग्स जो है ना इसके ऊपर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने वेट रखा है 5 kg का ये है, और ये बटन से इसको जब हमने प्रेस करना है ये 5 kg ऊपर आ गया है। और बटन से आप ये डाटा सेव करते जाएँ इसके ऊपर, ये 1 वेट हुआ है, ये 1 बैच नंबर 1 आ गया, दोबारा किया है बटन प्रेस किया है तो 2 हो गया, इस तरह 3 किया तो ये 3 हो गया, इसी तरह 4 किया तो 4 हो गया, 5 किया, और इसी तरह आप जितने मर्ज़ी वेट करते जाएं वो यूएसबी के अंदर सेव होते जाएंगे। ये जो है वेइंग स्केल जो है ना, इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ जो है कंटेनर में जब हम फिलिंग कर रहे होते हैं, तो जब कार्टन का वेट हो रहा होता है तो हमें कार्टन की काउंटिंग भी हो रही होती है और साथ वेट भी काउंट हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये 10 kg रखा है, ये 15 हो गया यहाँ पे, और वो 15 के हिसाब से इसके अंदर सेव होता जा रहा है डाटा, और बटन हमने प्रेस करते रहना है, जिस तरह वेट होता जाएगा उस तरह बटन हमने सेव करता जाना है। और ये जो पीछे वाला वेइंग स्केल है इसके अंदर हमने लिमिट लगाई हुई है अप एंड डाउन की, अगर वेट अप हो जाएगा तो रेड लिमिट हो जाएगी, और अगर वेट जो है वो बिल्कुल ओके होगा तो ये ब्लू चल जाएगा। ये वाला वेइंग स्केल है, और इसके अंदर हमने ऑटोमेटिक ये सेंसिंग करता है वेट की, इसमें हमने ये सेंसर्स भी लगाए हुए हैं।